हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनीता और आप देख रहे हैं डीएनपी स्पोर्ट्स। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं टॉप 5 स्पोर्ट्स स्टोरीज ऑफ द डे। मुंबई इंडियंस के सनराइजर्स हैदराबाद को 65 रन के अंदर रोकने में विफल रहने के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2021 के प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया है। मुंबई के प्लेऑफ में पहुंचने के लिए सनराइजर्स हैदराबाद पर 171 रन से जीत दर्ज करनी थी। इससे पहले मुंबई ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 235 रन का स्कोर बनाया, जो कि अब तक का उनका सर्वाधिक टोटल है। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ अपने अंतिम लीग मैच में आरसीबी के विकेट कीपर बल्लेबाज शेखर भरत ने अंतिम गेंद पर छक्का लगाकर टीम को जीत दिलाई। शेखर ने 3 चौके व 4 छक्के की मदद से 52 गेंदों पर 78 रनों की शानदार पारी खेली। आपको बताएं दोस्तों कि आरसीबी पहले ही प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी है और एलिमिनेटर में उसका मुकाबला केकेआर से होगा। आईपीएल 2021 में प्लेऑफ के लिए 4 टीमें फाइनल हो चुकी हैं। कौन सी टीम किसके खिलाफ आईपीएल 2021 प्लेऑफ में खेलेगी, आइए इसके बारे में आपको बता देते हैं। दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2021 अंक तालिका में शीर्ष 2 टीमें हैं और वे रविवार को क्वालिफायर 1 खेलेंगी। इसकी विजेता टीम फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम सोमवार को आरसीबी और केकेआर के बीच एलिमिनेटर के विजेता के खिलाफ खेलेगी। क्वालिफायर 2 की विजेता टीम फाइनल में पहुंचेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा ने कहा है कि अगर भारत चाहे तो पीसीबी बर्बाद हो सकता है। उन्होंने कहा कि पीसीबी को अपनी 50% फंडिंग आईसीसी से मिलती है और आईसीसी को 90% फंडिंग भारतीय बाजार देता है। अगर भारतीय प्रधानमंत्री सोच लें कि पाकिस्तान को फंडिंग नहीं देनी है तो पीसीबी पूरी तरह से खत्म हो सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा ने खुलासा किया है कि अगर पाकिस्तान आगामी T20 विश्व कप में भारत को हराता है तो पीसीबी को एक ब्लैंक चेक मिलेगा। उन्होंने कहा कि एक निवेशक ने उन्हें ब्लैंक चेक देने का वादा किया है। T20 विश्व कप में 24 अक्टूबर को दुबई में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होना है। तो दोस्तों, स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम स्पोर्ट्स अपडेट्स के लिए देखते रहिए डीएनपी स्पोर्ट्स। इसके अलावा अगर आपने डीएनपी स्पोर्ट्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि खेलों से जुड़ी हुई तमाम अपडेट्स आपको समय समय पर मिलती रहें।